अरे यहाँ मैं ये बात दर्शन तो बहुत ज्यादा आसान है देखने में सिंचन तुझे आसान लग रहा है लेकिन ये आसान है नहीं और मैं तुम लोग से कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ तो मैं तुम लोग को सारे के सारी आर्मी दिखाऊंगा सबसे पहले तो चलो जमीन के अंदर हम तो ये तो पेयर्सर आना चोप ये वाले पेर्सर जमीन से बाहर निकलेंगे और फिर अगर तुम लोग की आर्मी बच के थोड़ा सा आगे पहुँच गए तो फिर यहाँ पे ये वाले टीरेक्स है जो की तुम लोग की आर्मी को काट के मार देंगे फिर भी अगर तुम लोग की आर्मी आगे पहुंच जाती है तो यहाँ पे थोड़े से पियर्सर और भी लगे हुए उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर हम तो ये क्या चीज है यार यार इसके अंदर तो मैं भी नहीं जा सकता लेकिन तुम लोग यहाँ से देख सकते हो अरे हम ये तो स्कॉर्च है तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला ये है छुपे तो हुए लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये लोग बाहर आ जाएंगे तो हर जगह तो यार खतरनाक यार यही बात तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ लेकिन बोल रहे की काफी ज्यादा आसान है लेकिन चलो अगर तुम लोगों ने ये वाली जमीन भी क्रॉस कर ली जो कि फटने वाली है फिर उसके बाद तुम लोग पहुंचोगे यहाँ पर और यहाँ पे खड़े हुए है

उसके बाद यह है चेक पॉइंट टू और फिर यह है फाइनल चेक पॉइंट थ्री अगर तो तुम लोगों ने चेक पॉइंट वन को क्लियर कर लिया तो फिर तुम लोग यहीं से स्टार्ट करोगे और अगर चेक पॉइंट टू क्लियर कर लिया तो फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे और अगर चेक पॉइंट थ्री क्लियर कर लिया फिर तो तुम लोग वैसे ही विनर हो जाओगे जो की होने वाला है नहीं क्यूँकी ये वाला दैट ट्रैप काफी ज्यादा खतरनाक है हम ऐसे कैसे खतरनाक है पहली आर्मी मैं खड़ी करूंगा यार चलो तुम लोग की आसानी के लिए मैं एक काम करता हूँ ना कि यहाँ से दरवाजे और ये वाले ब्लॉक्स दीवारें माइनस कर देता हूँ ताकि तुम लोग अपनी आर्मी को आराम से यहाँ पे मरने के लिए खड़ा कर सको ऐसे कैसे मरने के लिए खड़ा कर हमने जीतने के लिए खड़े करेंगे यार ये तो अभी तुम लोग को थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा एलियंस की आर्मी यार इस काफी ज्यादा ओपी है और एक मिनट भाई साहब ये अलाउड नहीं है अरे यार हमने सब कुछ अलाउड है लेकिन ये तो फ्लाइंग बीटर्स है ना ये अलाउड नहीं होती है हमने अलाउड है सब कुछ अलाउड है हम लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी खड़ा करेंगे यार ये तो सारे के सारे तुम लोग फ्लाइंग यूनिट्स को खड़ा कर रहे हो तो क्या वहां हम लोगो ने जीतना है ना हम लोग जिस तरह मर्जी जीते हाँ जीतने का तो मैंने तुम लोग को बोला था मगर चीटिंग करने का नहीं बोला था यूनिट्स का तो तुम लोग को पता है ना कि किसी भी डेथ ट्रैप या फिर रन में अलाउड नहीं होते हैं लेकिन ये तो है भी इंपॉसिबल है तो कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं यार अच्छा चलो अभी तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है लेकिन एक बात याद रहे अगर तो तुम लोग के हेलीकॉप्टर सीधा उड़ के चले गए चेक पॉइंट थ्री के पास तो फिर ये चीटिंग होगी फिर तुम लोग डिस्कालीफाई हो जाओगे तुम लोग की आर्मी ने एक एक करके सारे के सारे चेक पॉइंट को क्लियर करके एंड तक पहुंचना है हम लोग पहुंचेगी हम लोग की आर्मी पक्का पहुंचेगी यार ऐसा तो तुम्हें लगता है चौप मगर ऐसा है नहीं क्यूँकी तुम लोग को पता ही नहीं है की इस वाली जमीन के अंदर क्या चीज है हम देखो सोना मोना है क्या यार ये तो मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला हूँ की क्या चीज है लेकिन यार हमें थोड़ी देर के अंदर हम लोग को पता चल जाएगा ठीक है तो फिर ये तुम लोग की फाइनल आर्मी है क्या अरे हाँ यार ये हाँ तो मेरी आर्मी है तो चौप तूने कुछ खड़ा करना है क्या की और मेरी एक या। ही आर्मी, आर्मी है मैंने खड़ी की इनको यार। अच्छा, फिर तुम लोग एक काम के आपस में लड़के गिव अप कर लो मैं वैसे ही जीत जाऊंगा हम ऐसे कैसे अप कर ले मेरी आर्मी है ना यार अच्छा ठीक है चौब तुम अपनी आर्मी यहाँ पे खड़ी कर लो हाँ ये ठीक है सिंचन और चौब तुम दोनों एक ही टीम के अंदर खड़े हो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा लेकिन शायद तुम देख नहीं रहे हो तुम लोग के हेलीकॉप्टर के नीचे मैंने क्या लगा के रखा है हम ये तो पेड़ है यार तो तुम लोग को मैंने सारा का सारा दिखाया तो है तो तुम लोग को सोचना चाहिए ना हम बात तो ठीक है लेकिन अब क्या करें? जगह बहुत कम है यार जगह तो वाकई में तुम लोग के पास बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी है सोच लो तुम लोग के, लो के पास टाइम है तो फिर मैं यहाँ पे खड़ा, करूंगा यार। खड़ा कर जगह है लेकिन यार के पास तो जगह ही नहीं है हाँ जगह तो नहीं है मगर ये तुम लोग को ज्यादा यार नहीं लेकर आगे हो हमने आगे यार कुछ नहीं चौप काफी ज्यादा आ गए मेरे ख्याल इतना काफी रहेगा हैं। है अच्छा ठीक चांसेस कितने हैं चांसेस चांसन और चौप तुम लोग के पास अनलिमिटेड है तुम लोग बस एक दफा जीत के दिखाओ फ्लाइंग यूनिट्स भी तुम लोगों ने यहाँ पे खड़े करके रखे हैं जो की थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए और ये देखो क्या हुआ हम, हम लोग की सारी आर्मी यही अभी तुम लोग मुझे बताओ के कैसे के लिए हम यूनिट्स है ना हम लोग पक्का जीवाएंगे हम लोग को यार अच्छा अगर अभी भी तुम लोग को ऐसा लग रहा है तो ठीक है देख लेते हैं तुम लोग के फ्लाइंग यूनिट्स क्या करते हैं यहाँ पर लेकिन ये लावा तो गोल गोल घूम रहे हैं लावा गोलम काम है गोल गोल घूम रहा है आर्मी के आगे आने का वेट कर रहा है, लेकिन तुम लोग की आर्मी आगे आ नहीं पाएगी क्योंकि है। वाकी में अभी मुझे कुछ ना कुछ नहीं जॉब काफी तुम लोग को सोचना मर चुकी तुम लोग का ये एक हाँ पे बचा है और ये बेचारा भी ज्यादा देर के लिए बचेगा नहीं अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग रहा है लेकिन अब ये कितना ही भागेगा इसको नीचे तो आना होगा और अगर एक दफा नीचे आ गया तो फिर टीरेक्स इसको छोड़ेंगे लेकिन यार है मुझे पता है अभी जिंदा लेकिन ये अभी भाग नहीं पाएगा क्योंकि टीरेक्स ने इसको पकड़ लिया है और मेरे ख्याल से तो बस इतना ही था तुम की इतनी आर्मी थी और वो तो सारी, के सारी मर गई तुम लोग हाँ, लो बोल सकते हो काफी ज्यादा टेक्निकल है तुम लोगों ने सारी की सारी चीजें तो देख ली है अभी सिंचन बेचारा जमीन के नीचे खड़ा हुआ है तो इसको खड़ा रहने दो अगर ये ऊपर है तो फिर भी बेचारा मारा जाएगा तो फिर क्या रे, कैसे क्लियर हो गई यार ये तो अभी हो देखो, तुम लोग को सोचना होगा ना कुछ ना कुछ सोचो तुम लोग हाइट भी, हो, स्पीड भी तेज हो और हम ऐसे कैसे छोड़ दे अभी पक्का जीत के दिखाऊंगा यार चलो ठीक है दोबारा तुम लोग वही काम कर रहे हो जो तुम लोगो ने पहले किया था मैं तुम लोग को बोला हूँ थोड़ी सी चेंजेज करो हमने कौन सी चेंजेज करनी है मुझे थोड़ा सा और समझाओ यार अभी जितना मैंने समझाना था

बोलते हो तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ किसी काम का नहीं है नहीं चौप है काफी ज्यादा ओपी लेकिन तुम लोगों ने इसको सही जगह पे खड़ा नहीं किया है वैसे इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है अभी पूरा का पूरा स्ट्रेच हो गया ना तो आप लोग देख सकते हो क्या काफी ज्यादा लंबा लग रहा है मगर क्या ही फायदा इतने बड़े टीरक्स का ये नहीं क्लियर कर पाएगा साइबर गोल को तुम लोगों ने नीचे फेंक दिया है फिर भी कोई फायदा नहीं है आर्मी तो मेरे ख्याल से तुम लोग की सारी की सारी मर गई लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग का टीरक्स अभी तक जिंदा यार मर गया चो तुम लोग

खड़ा करता हूँ यार आ, अभी तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा काम कर रहे है ना लेकिन क्या है ना कि अभी जगह नहीं है तुम लोग के पास हम जगह नहीं तो फिर क्या वोट खड़ा करेंगे यार कर लो कर लो तुम लोग के पास काफी ज्यादा जगह है तुम लोग जो मर्जी चाहे यूनिट खड़ा कर सकते हो लेकिन ऑगेलॉट में तुम लोग को बता रहा हूँ मुझे लगता है की तुम लोग की अपनी आर्मी को नीचे फेंक देंगे हम दे ऐसे कैसे नीचे फेंक देंगे हम लोग की आर्मी के ऑगेलॉट है यार चलो ठीक है वो अभी तुम लोग को पता चलेगा ये देखा तुम लोगों ने मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था की तुम लोग के ऑगेलॉट अपनी आर्मी को नीचे फेंक देंगे क्योंकि इनके अंदर अकल तो होती नहीं है और ये क्या है ना कौंडा भी तुम्हारे बेचारे गोल गोल यहाँ पे घूम रही है लगता है की कंफ्यूज हो गई है अरे हाँ कितनी ओपी है। ओपी तो है, सिंचन बिचारी कुछ कर नहीं पाई और तुम लोग सारा सारा तो है तुम लोग को कुछ और सोचना होगा हम ड्रैगन करेगा मुझे लगता है यार हाँ ड्रैगन की ऑप्शन भी है तुम लोग के पास ये अच्छा प्लान है लेकिन अभी ऐसा न होगा तुम लोग पूरे के पूरे ग्राउंड को ड्रैगन से भर दो हमने कम से कम तीन ड्रैगन Hva er det jeg gjør? तीन ड्रैगन्स चीटिंग कर रहे हो तुम लोग काफी ज्यादा चीटिंग कर रहे हो लेकिन खैर है मुझे पता है कि तुम लोग फिर भी नहीं क्लियर कर पाओगे हम अभी भी नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर कैसे क्लियर करेंगे यार ये तो तुम लोग को सोचना होगा लेकिन यार मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग की आर्मी पक्का जीतेगी आर्मी तो तुम लोग की जीतेगी और ये क्या खड़े होने से पहले ही नीचे गिर रहे हैं तुम लोग के यूनिट्स और लगता है की नीचे गिर के नहीं यार जिंदा है मुझे लगा था कि मर गया है मगर ये जिंदा है और ये नीचे खड़े होकर क्या ही कर लेगा इसका कोई भी फायदा नहीं है यूजलेस है बाकी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो दो ड्रैगन हैं और बाकी वेरबुल्फ है बाकी यहाँ पे खड़ी करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अभी ये चांस देना चाहिए अच्छा अमित भैया हम लोग को एक ही चांस चाहिए ठीक है तो फिर तुम लोग याद रखो तुम लोग के पास ये लास्ट चांस है अगर तो तुम लोग जीत गए तो ठीक है अगर हार गए तो तुम लोग डिस्कालीफाई हो जाओगे लेकिन हारने का तो चांस है ही नहीं क्योंकि हम लोग के पास तो यहाँ पे ड्रैगन है ड्रैगन वैसे अलाउड

काफी ज्यादा ओपी है और तुम लोग को क्या पता कि इन वाले ब्लॉक्स के नीचे क्या चीज है तो ये जाएंगी और वैसे ही दिखाई देगा अच्छा ठीक है टाइट वगैरह हैं काफी ज्यादा सांप हैं इसके अंदर लेकिन यार हम लोग को डरने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग के पास तो फ्लाइंग यूनिट हैं हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ की अभी तुम लोग को डरने की जरूरत वाकई में नहीं है लेकिन हाँ अगर तुम लोग का ड्रैगन

ब्लॉक्स भी ये लोग तोड़ देंगे इनके अंदर एना भी हैं और टाइटनो बॉय वो भी बाहर आ जाएंगे और मेरी आर्मी के सारे के सारे स्कॉर्ट्स को भी ये लोग मार रहे हैं यार को तो ड्रैगन ने कुछ ज्यादा दूर पटक दिया आई होप के ग्राउंड से बाहर तो नहीं जाएगा हाँ यार गाय ग्राउंड से बाहर तो नहीं गया मगर काफी ज्यादा चोट लग गई है इसको और मेरे ख्याल से तो मर भी है हाँ यार गाय डिफीट हो गया है फटाफट से हम लोग चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक मिनट भाई साहब ये तो मेरी पूरी की पूरी आर्मी को बाहर फेंक रहे हैं फंस गया ये वाला ड्रैगन बोन स्पाइक में फंसने वाला था लेकिन बच गया और एक मिनट अभी यार गाइज यहाँ पे दिक्कत होने वाली है क्यूँकी ड्रैगन तो सीधा एंड पे आ गया मगर एक मिनट ब्लेड इसको डैमेज कर रहे हैं और साथ में टाइगर ने भी काट लिया ये वाला ड्रैगन मेरे ख्याल से यार मर सकता है और अगर एक दफा ये वाला ड्रैगन भी मर गया ना तो फिर भी हम लोग का काम हो जाएगा फटाफट से हेल्थ बार को ऑन करते हैं मगर एक सेकेंड अब यार गाइज टाइगर को उड़ा के लेके चला गया ड्रैगन साथ में अगर तो वहीं पे रुक के टाइगर के ऊपर अटैक करता ना तो फिर ये वाला ड्रैगन मर जाता मगर चीटिंग इसने ये किया कि टाइगर को उठा दिया है और भाई साहब ये देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है हम ये तो हम लोग का ड्रैगन डिफीट हो गया तुम लोग को क्या लगा था मेरी आर्मी ऐसे ही है फजूल में हम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया यार ये तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ तुम लोग का एक ड्रैगन मर गया मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है अभी तुम लोग का ये वाला ड्रैगन मेरे टाइगर को बस एक दफा छोड़ दे उसके बाद चांसेस होंगे जीतने के मगर एक मिनट यार यारगा जब ये लोग मार नहीं सकते ना तो फिर ये लोग नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं मगर टाइगर भी तो नहीं काट पा रहा ना यार इस गया हम लोग का टाइगर गया ग्राउंड से बाहर पूरी की पूरी चीटिंग की है ड्रैगन ने यार टाइगर को ग्राउंड में मार नहीं पाया इसलिए टाइगर को नीचे फेंक दिया इन लेकिन अभी भी हम लोग की आर्मी थोड़ी तो यहां पे नहीं देगा। मगर हम लो का अंदर एक और पहलवान भी खड़ा हुआ है मगर अभी वो भी क्या ही कर लेगा हेल्थ बार को ऑन करके देखते हैं। एक है एक बॉक्स है यहाँ पर और एक बंदा है हम लोग का अंदर चौपट हो गया यारगा पूरा का पूरा प्लान हम लोग का फेल हो गया है मगर एक ये वाला लावा गोलम भी तो जिंदा है स्कॉच भी जिंदा है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस वाले ड्रैगन को किसने मारा होगा वाले सेबर गोल ने मारा है मेरे ख्याल से यार हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसने मारा यार गाइस ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो ऊपर से ड्रैगन एक दफा नीचे आ गया ना फिर हम लोग का काम हो जाएगा लेकिन यार हमारा हम लोग का ड्रैगन तो नीचे आएगा नहीं फटाफट से हेल्थ बार को ऑन करके देखता हूँ तो मेरे बॉक्स की हेल्थ कम है और इस वाले ड्रैगन को भी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हवा में फ्लाई कर रहा है तो फिर यार हमने इसका मतलब ये हुआ की आपकी आर्मी डिफीट हो गई मेरी आर्मी को छोड़ो तुम लोग का ड्रैगन यहाँ पे फंस गया है हाँ तो ड्रैगन फंस के दोपहर निकल जाएगा फ्लाइंग ड्रैगन यार चलो ठीक है ये किसको फेंक दिया तुम लोगों ने पता नहीं यार गाइस मेरी आर्मी को ग्राउंड के नीचे से निकाल के ये लोग बाहर फेंक रहे हैं पूरी की पूरी इन लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं साइबर गोल्ड को भी उठा के बाहर फेंक दिया है पीछे तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास ये वाले थोड़े से यूनिट्स बचे हैं लेकिन अभी ये भी क्या ही करेंगे और एक मिनट इस वाले बंदे को भी ड्रैगन ने उठा के बाहर फेंक दिया है खुद यहाँ पे फंसा हुआ है मगर एक मिनट एक मिनट यार गाइस ये क्या कर रहा है स्कॉच को भी बाहर फेंक दिया इसने लेकिन मैं चाहता हूँ की एक दफा ये

लावा गोलम को तो मार नहीं पा रहे हो तो फिर तुम लोग जीते कैसे होवाम को लेकिन मुझे है हम लोग जीत तुम्हें तो ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग नहीं जीते हो तो हम लोग एक काम करते ना कि अपने देखने वालों को डिसाइड करने देते हैं अगर आप लोग को लगता है की सिंचन और चौप जीत गए तो कॉमेंट करके सिंचन एंड चौप ओपी लिख देना और अगर आप लोग को लगता है की मैं जीत गया हूँ तो फिर कॉमेंट करके हमें टी ओपी लिख देना साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर टेल्डेंट है किरण बाय